लीवर दोस्तों हमारे शरीर का एक मुख्य होता है दोस्तों। यदि हमारा लीवर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे शरीर का जो बॉडी अदर पार्ट्स है वो कैसे स्वस्थ रहेगी दोस्तों। हमें लीवर कैसे फिट रहे, लीवर हमारा कैसे सही रहे और लीवर में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, आज इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग इंडिया चैनल। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लीवर के लिए। दोस्तों हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी में हमारे व्यस्त खान पान की वजह से जो हमारा फैटी खान पान होता है, कोलेस्ट्रॉल वाला खान पान होता है, आप तली भुनी चीजें इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल तेल वाली तेली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारा लीवर के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों हमारे लीवर का जो काम होता है, लीवर का काम जो होता है, लीवर के शरीर को मेटाबॉलिज्म जो रेट होती है उसको मेंटेन करता है, शरीर के पाचन क्रिया को मेंटेन करता है और साथ ही साथ में हमारी जो परेशानियां होती हैं आपके, जैसे मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हो गया या हमारे लिए और कोई समस्या होती है, इससे समस्या की जो परेशानियां होती है उसे कंट्रोल करना। दोस्तों क्या है हमारे शरीर में, क्या है जब भी हमारा लीवर खराब होने की स्थिति आती है, जैसे मान लीजिए लीवर हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया और आपका लीवर फैटी लीवर हो गया और दोस्तों अन्य बीमारी स्टेजेस जैसे जैसे लीवर आपकी लीवर कैंसर हो गया, तो ऐसी स्टेज है जिसमें आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। यदि एक बार डैमेज हो गया तो दोस्तों आपको उस परेशानी से निकालने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब भी आपके लीवर के अंदर सूजन की शिकायत रहती है या मान लीजिए पीलिया की शिकायत, अब बात करते हैं, आज हम बात करेंगे पीलिया के बारे में। दोस्तों लीवर के अंदर जो पीलिया होता है वो कारण क्या है हमारे लीवर के अंदर। दोस्तों लीवर के अंदर जो पीलिया होता है वो कारण है जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, कभी कभी हमारे खान पीन की वजह से भी पीलिया की शिकायत हो जाती है। दोस्तों जब भी हमारे शरीर के अंदर पीलिया की शिकायत होती है तो हमारे शरीर के लक्षण मैं बताया तो लक्षण क्या क्या होते हैं। हमारे आँख जो है पीली दिखाई देखने लगती है, जो आँखों के अंदर जो सफेद घेरे होते हैं पीला पीला दिखाई लगता है। ये हमारे नेल्स जो होते हैं, नाखून जो होते हैं ये वाले, ये हमारे पीले दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ में पेट के अंदर सूजन आ जाती है, एड़ियों पर, पैर की एड़ियों पर सूजन आ जाती है और दोस्तों क्या है शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खुजली की शिकायत रहती है, शरीर के अंदर हल्का बुखार जैसा रहता है, शरीर के अंदर भूख नहीं लगती, भूख तो बिल्कुल लगती ही नहीं है। साथ ही साथ में क्या है गहरे रंग का पेशाब की शिकायत रहती है। दोस्तों पेशाब का रंग जो होता है गहरे रंग का होता है, हेयर का मतलब येलो टाइप का होता है और दोस्तों क्या रहता है उसमें, साथ ही साथ में क्या है लेटरिन जब जाते हैं तो खून की शिकायत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। दोस्तों ये पीलिया के लक्षण है, यदि आपको इस तरह की कोई शिकायत है तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों पीलिया की, पीलिया से कैसे बचा जाएगा, क्या हमें खान पीन में कंट्रोल करना होगा, क्या हमें सिम्टम्स दिखेंगे और क्या हमें इसके लिए जांच करानी पड़ेगी। अब बात करते हैं जांच के लिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप सीरम बिलोबिन करा सकते हैं, SGPT करा सकते हैं, SGOT करा सकते हैं, CBC करा सकते हैं, साथ साथ में मान लीजिए ये नहीं करा सकते हैं तो आप CBC और LFT करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। दोस्तों यदि आप ये चीजें कराते हैं तो आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि आपकी जो बीमारी है वो कितने परसेंट बढ़ गई है, ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इसके अंदर हमें क्या हमें खाने में प्रयोग लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि हमें दूषित खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सबसे पॉइंट की पहली बात। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों हमें एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, एल्कोहल का सेवन करते हैं तो जॉइंट डिस्क की शिकायत हो जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो अभी आपके जॉइंट डिस्क की शिकायत हो जाती है, उसे आप दूर रहें। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो आप दोस्तों तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, ज़्यादा अच्छा है, और खाने में
शुद्ध शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल करें, फैटी भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जिससे क्या है दोस्तों आपकी समस्या हो सकती है। सॉरी। और दोस्तों क्या है कि यदि आप उस समय खाने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो शरीर में काफी आराम मिलता है। पानी आप बॉइल करके ठंडा करके इस्तेमाल में ले सकते हैं, जिससे क्या है आपके शरीर में डिटॉक्स जो आपके अंदर ब्लड प्योरीफाई होता है अच्छे से तेजी से होगा, और जो येलो मतलब आपका जॉइंटिस की शिकायत है यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगी। और दोस्तों क्या है यदि आप उस पीरियड में मतलब जो है खाना पीना अच्छा रखते हैं, हरी सब्जी फलदार सब्जी मतलब हरी सब्जी जितनी भी आती है वो सब आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आप जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो खान पीन के अंदर जो आपको बताया है वो आप चीज खा सकते हैं, जिससे आपके खान पीन की वजह से लीवर की जो समस्या होती है वो काफी हद तक सही हो जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब करते समय दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों आई बटन में आपको देखने को मिलेंगी वीडियोस। दोस्तों मुझे उम्मीद है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।